स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम चलते हैं आपको उत्तराखंड की वादियों में। तो हम आ चुके हैं ट्रेन से काठगोदाम स्टेशन। तो यहाँ से सीधा चलते हैं बस का सफ़र करते हुए। बस से के सफ़र से एक घंटे का सफ़र तय करते हुए हमें पहुँचना है घोड़ाखाल। भवाली से महज 5 किलोमीटर दूर ही रह जाता है घोड़ाखाल। ये है कुमाऊँ की पहाड़ियाँ और सुंदर दृश्य। तो साथ ही हम चलते हैं घोड़ाखाल स्कूल। तो ये है फर्स्ट गेट सैनिक स्कूल का। तो ये है सेकंड गेट। तो सेकंड गेट से हम एंट्री करते हैं। यहाँ मेरा बेटा है और मेरे हस्बैंड हैं। तो हम चलते हैं स्कूल में एंट्री करते हैं। तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का ये मेन गेट है और ये है स्कूल। तो आप देख ही सकते हैं बरसात का मौसम और स्कूल का नज़ारा और साथ ही हरी भरी पहाड़ियाँ। तो यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। और ये स्कूल है, यहाँ का ये ग्राउंड है और साथ ही हमें एंट्री नहीं थी अंदर तक जाने की, बट हम यहाँ पर हैं। यहीं से हम आपको इतना ही दिखा सकते हैं। काफ़ी सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है। इतनी ऊंची पहाड़ी पर जो स्कूल बना है और यहाँ जो अभी बरसात हो रही है उसके साथ ही यहाँ का दृश्य देखने लायक होता है। यहाँ से दूर दूर तक अभी तो बरसात है इसलिए कोहरा और धुंध सी ही दिखाई पड़ती है, पर यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा है, मनोहारिक है। तो यहाँ है सैनिक स्कूल और ये है उसका एक दृश्य। साथ ही यहाँ अभी बरसात है तो बरसात के मौसम का मैं आपको दिखाती हूँ सीधा ये नज़ारा कि आप देख सकते हैं कि बरसात के मौसम में यहाँ कैसा लगता है। और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सुंदर है, हरियाली से भरा हुआ है। तो इसके साथ ही आपको मैं पहाड़ियों को भी एक क्लिप दिखाऊंगी जिसमें आप देखिए कि कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से पूरा पहाड़ियों का व्यू आता है। और साथ ही हम चलेंगे गोलू टेम्पल। तो ये है गोलू टेम्पल का एक साइन बोर्ड और यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं। ये स्कूल से सटाई हुआ मंदिर है और ये कुमायूं की धरती पर न्याय के देवता गोलू टेम्पल मंदिर है। ये जन जन में आस्था का एक केंद्र है। गोलू मंदिर में अर्जियाँ लगाई जाती हैं, चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं। आप अगर अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहती हैं तो यहाँ पर चिट्ठियों द्वारा यहाँ अर्जी लगाई जाती है और अर्जी पूरी होने पर यहाँ घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं। आप देख ही सकते हैं इस मंदिर में इतनी सारी घंटियाँ हैं कि आप उम्मीद लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी आस्था का एक केंद्र है जहाँ मन्नतें पूरी हो रही हैं लोगों की और वो इस तरह से घंटियाँ यहाँ चढ़ा रहे हैं। ये देखिए अंदर का दृश्य है मंदिर का, ये मेन आंगन कहेंगे। यहाँ पूरे चारों तरफ छोटी बड़ी हर तरह की घंटियाँ ही हैं, इसीलिए इस मंदिर को वेल टेंपल भी कहा जाता है, घंटियों का मंदिर। गोलू देवता को भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता है। तो यहाँ से वापस हम घर की तरफ चलते हुए और इन्हीं सीढ़ियों से हम वापस जा रहे हैं। तो आपको ये मंदिर कैसा लगा, ये जगह कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।